अच्छा जी, आप वासिफ साहब ये बताइए, क्यों नहीं देख रहे हम एक स्टैंड, सॉलिड स्टैंड? अभी लास्ट में भी आपने कह दिया एक महीने में तो होने दो, भेज दूंगी हम। वो इसलिए कि वासिफ की जो लाइफ है ना, वो शुरू से बहुत मुश्किलों में रही है। ओके। जब वो यूनिवर्सिटी में था, उससे पहले भी, कि उसके फादर उसको फोर्स करते रहते हैं कि तुमने शॉप पे जाना है, शॉप पे जाना है, शॉप पे जाना है, वो नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसको सिखाया ये गया है, उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है हमेशा से कि बस सुननी है उसने। ठीक है, तो वो इतना मतलब कि बोल नहीं पाता आगे से अपने पेरेंट्स के सामने भी। उसके बाद जो मसले हुए उसकी लाइफ के अंदर, एक तो यूनिवर्सिटी वाली लड़की जो थी, जेल जाना पड़ा। ठीक है, एक वो मसला, फिर आप देखते हो हर वक्त घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, तो वो इन चीज़ों से दूर भागता है, परेशानियों से, वो इन टेंशन से दूर भागता है, वो इन लड़ाइयों से दूर भागता है। तो उसने बिल्कुल अपने आप को साइड में कर लिया। वो जितने भी मसले होते हैं ना, वो कोशिश करता है कि वो बिल्कुल साइड पर हो जाए, वो इस बारे में कोई बात ना करे। तो ये जो बोलती रहती है, इसकी सुनता रहता है, वो जी जी करता रहता है, वो माँ बोलती है उसकी भी जी जी करता रहता है, लेकिन इसको तो थोड़ा पीस चाहिए। Okay. इसको सकून चाहिए। हाँ, वो तो बेचारे को सकून चाहिए। I feel for him, seriously. हाँ, तो इसको सकून नहीं मिल पा रहा। तो ये सकून की तलाश में है कि यहाँ से भी जी कर लो, अम्मी जो बोलेंगे उस पर भी जी कर लो, जो भाई बोलेंगे उस पर भी जी कर लो। अच्छा, इसमें मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम है, हम देख रहे हैं कुछ इसका, आप लोगों ने सोचा था जब वासिफ का कैरेक्टर था, बिकॉज ही इज अ मिडिल चाइल्ड, और मुझे वही लगता है कि जो इसकी इनडिसाइसिवनेस है ना, यही जो बात आप कह रहे हैं, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना, और बेचारे को कोई ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं कराए, शादी भी कितनी मसले से उसकी हुई, अभी भी यू नो उससे पूछे बगैर अज्यूम कर लिया कि ये तो बिजनेस करेगा ही करेगा, हम लाहौर जा रहे हैं। तो वो जो थोड़ा सा हम कहते हैं कि मिडिल चाइल्ड को ऐसे डील करते हैं, वो यहाँ मुझे कुछ नज़र आई रही, वो यहाँ पे है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पर देखे ना, हर चीज़ मुसल्लत की जा रही है। माँ ने कहा मैं यहाँ रिश्ता करूँगी, जबकि दूसरा रिश्ता जो था इसके लिए शायद बेहतर होता, रामीन वाला उसे बहुत प्यार करती थी वो लड़की। एक्सक्यूज मी, एक्शन में आ गई, एक्सक्यूज मी, आई एम राइट हियर, आई नो, सॉरी। लेकिन ये था कि उसके लिए शायद बेहतर होता, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया, इसीलिए वो लड़की को इग्नोर भी करता है, क्योंकि उसको घर के हालात पता है अपने, कि मेरे घर के क्या हालात हैं, कि मेरा कोई डिसीजन है ही नहीं जब, तो मैं क्या बोलूँगा जाके मैंने इससे शादी करनी है। तो वो इसलिए उससे दूर रहता है, उसको इग्नोर करता रहा, यहाँ तक कि फादर ने कह दिया तुमने शॉप पे जाना है, तो उसने कह दिया ठीक है मैं शॉप पे जाऊँगा, जबकि वो पढ़ रहा है, अच्छा है पढ़ाई में उस पर भी। और ये है कि इसका कोई बात सुनी ही नहीं जाती शुरू से, तो इसको यही है कि थोड़ा इमोशनल टाइप का है, कोई सुनता ही नहीं है, ना भाई, जो बड़े भाई हैं वो अपने काम में बिजी होते हैं, सबसे छोटे भाई से बनती है, उसके साथ इंजॉय भी करता है, ठीक है, हंसता भी है, दोनों की बनती है। लेकिन आई थिंक सो कि ये ऐसी चीज़ है बिल्कुल, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कोई ऐसा लड़का होता है जो मिडिल चाइल्ड जैसे आप कह रही हैं, तो वो उनके साथ ये। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये ड्रामा इज सो इंटरेस्टिंग, एंड मुझे लगता है बहुत जो आप लोगों को पता चल रहा होगा डीएमसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम या जिस तरह कपल्स आजकल हैं उसको इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी चीज़ों को। जैसे जुनेद कह रही हूँ, जैसे वासिफ का कैरेक्टर, वासिफ और फरहत को जब मैं देखती हूँ, इतनी बार हम कहते हैं ना कि ये मर्द ये डिसीजन ले ले, अपनी बीवी को सही कर दे या माँ को सही कर दे तो नहीं होगा, लेकिन जब मैं वासिफ का कैरेक्टर देखती हूँ तो आई एक्चुअली फील के वो फंसा हुआ है, वो द प्रेशर द कैरेक्टर इज इन, डिसीजन कैसे ले लेके फरहत को छोड़ दे, ऑल्दो आई फील लाइक समटाइम्स के फरहत बहुत अनरीजनेबल हो रही है, लेकिन इतना एक्सट्रीम एक्शन भी जस्टिफाइड नहीं है। एंड मुझे भी नहीं समझ आती, मैं जब देख रही होती हूँ कि वासिफ क्या करे कि वो इसीलिए है क्योंकि वासिफ को कभी डिसीजन लेने की पावर दी नहीं गई शुरू से ही। Okay. उसके पास वो पावर नहीं है, और जब उसकी शादी हुई, जब एक इंसान की शादी होती है लाइफ चेंज होती है बिल्कुल। उसने कोई डिसीजन भी लिए लेकिन उसके पास वो शुरू से उसने सीखा ही नहीं है वो चीज़ डिसीजन लेना, तो वो इतने बड़े डिसीजन कैसे ले ले। अब जहाँ तक घर की बात भी थी, उसने बोल तो दिया कि हम अलग होना चाहते हैं, लेकिन बाद में जाके माफ़ी भी मांगी उसने अपने बड़े भाई से कि हाँ मैं नहीं चाहता कि घर ऐसा हो। तो आई थिंक सो कि वो जज्बाती भी हुआ थोड़ा सा बीच में, उसने सोचा मैं डिसीजन लूँ, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं, उसने सीखा ही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी नहीं हुई बचपन से। फरहत कर रही है ना ट्रेनिंग, अब ये कर रही है ना? नहीं मैं इस बात के खिलाफ, मैं इसको ट्रेनिंग ही नहीं, इतना लंबा लंबा लेक्चर और बड़े प्यार से वो समझा रही है। दरवाजे के पास, खिड़की के पास जो सीन होता है, जब जुनेद बार बार जुनेद जब वासिफ रो रहा होता है और वो आके बोलती है कि तुम फिक्र नहीं करो वो दुकान वाली बात पे, जब जॉब मिल जाती है तो कहती है, और बड़ी उसने इंटेलिजेंटली बात की फरहत ने, कि 2 महीने दे दो, अगर नहीं हुआ तो तुम वापस आ जाना, तुम बस ऐसे तो करो। तो असल में मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो कपल इसमें दिखाया गया है
वो दिखाया इस तरह गया है कि जब लोगों की नई शादी होती है एंड दे आर यंग, उनकी बहुत सारी चीज़ों पे दिमाग मैच भी नहीं हो रहा होता, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट. ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कैरेक्टर, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि नहीं हम अच्छा चलो इस तरह कर लेते हैं, इस तरह हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इस तरह कर लेते हैं ये बेहतर. ये मुझे घर के लिए समझाता रहता है, तुम सुन लिया करो, या मतलब थोड़ा सा इंसान को कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, इतना इम्पल्सिव मत हो, मैं अपनी तरफ से लगी हुई हूँ. तो ये बिल्कुल सही दिखाया है कि स्टार्टिंग में आप देखिए दो साल शायद लोगों के जिंदगी में टर्मोइल आ जाता है स्टार्टिंग में, जब यंग होते हैं वो दिमाग नहीं मिल रहा होता ना, समझ ही नहीं आ रहा होता. एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो मैरिज काउंसलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है हमारे में, आइडिया ही नहीं है, आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, हम किसी से बात नहीं करते, घर के बड़े अपनी मसलों में फंसे हुए हैं, भाभियाँ अपने मसलों में फंसी हुए हैं, आप किससे बात करें, कौन आपको आके बैठ कर समझाए कि नहीं आपके साथ ये मसला हो रहा है. तो आई थिंक इस ड्रामे के थ्रू आई नो हम इसमें नहीं दिखा रहे, बट एज अ होल वी ऑल शुड कंसल्ट थेरेपिस्ट एज वेल कि अगर कोई इस तरह की चीज़ आ रही है. यंग कपल्स को स्पेशली शादी में रहना, रिलेशनशिप में रहना भी एक आर्ट है, इसको सीखना अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. तो भाई आपने बड़ी अच्छी बात बोली, इट्स वेरी वैलिड एंड लॉजिकल जो आपने बात बोली, एंड वी मस्ट गो टुवर्ड्स दैट. क्योंकि जो फैमिली में पॉलिटिक्स या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके भी अपने अपने मोटिव्स होते हैं, वो अपने मसलों में. लेकिन जैसे मुझे लगता है तूबा के सॉरी फरहत के जो फादर हैं वो एक शुरू से हमेशा लॉजिकल और सेंसिबल बात बोलते थे, उनकी माँ को भी वही काम डाउन करते थे उसकी माँ को, एंड ही वुड ऑलवेज कम अप विद अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन द थिंग. वो नहीं है, मुझे वो मिसिंग एलिमेंट लगता है कि अगर वो होते तो शायद फरहत थोड़ी सी उसको गाइडेंस मिल जाती है जो जरूरत है. तो वो है. अच्छा फैन रिएक्शन, ऑडियंसिस का कैसा रिएक्शन है इन पर्सन एंड डीएम्स? बहुत बहुत अच्छा रिएक्शन है. मतलब कि अब तो ये होता है कि मेरा नाम जुनेद है लेकिन मैं जुनेद के नाम से पहचान ही नहीं जाता. सड़क पे जाओ तो वहाँ पे वासिफ, यहाँ जाओ वहाँ पे वासिफ. तो डांट पिटती है लोग, प्यार करें? नहीं, लोग बहुत प्यार करते हैं. तूबा को तो डांट पिट रही है? नहीं. एवरी डे जो है ना एक नई फीलिंग होती है ऑडियंस की, एंड ऑब्वियसली आई एम ग्लैड दैट दे आर रिलेटिंग टू इट, या वो देख रहे हैं या वो उस इमोशन को फील कर सकते हैं जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं. तो उससे ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट इनके लिए या मेरे लिए क्या इससे ज़्यादा क्या बड़ा हो सकता है. सो ऐसा नहीं है. आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम दिस कैरेक्टर. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि थैंक गॉड एटलीस्ट कोई तो अपने लिए बात कर रहा है, कोई तो अपने लिए बोल रहा है, प्राइवेसी के ऊपर बात कर रहा है. वरना आप देखें नॉर्मली ये होता है कि आप हर चीज़ पे चुप कर जाओ, कॉम्प्रोमाइज कर जाओ. भाई क्यों? दिस इज़ योर बेसिक राइट, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू स्पीक आउट फॉर योरसेल्फ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. तो या अच्छा तो कोई फैन रिएक्शन बताएं क्या हुआ जब बाहर गए आप लोग? या कल का सुना है ना आप? कल का एक आंटी आ गई. कल हम मूवी देखने गए हैं, वहाँ पे तो एक आंटी आ गई. ओह आप फरहत और वासिफ आए हुए हैं? मैंने कहा जी जी, कैसी हैं आप? ठीक है. कहती हैं कि इससे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था हाँ, तुम्हारी माँ के साथ ये कर सकती है, लेकिन वासिफ तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. मैंने एपिसोड नहीं देखी हुई थी. मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? तुमने अपनी माँ के बगैर खाना खा लिया? ये तो चलो समझ आती है इसकी, लेकिन तुम? मैंने कहा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. मैंने कहा अच्छा मैं क्या बोलूं उनको? अच्छा हम दो मिनट ना पहले उनको सुनते रहे. उसके बाद जो मैंने उनसे कहा यू नो दैट वी आर प्लेइंग अ कैरेक्टर. नो नो आई नो. मैंने कहा मतलब देखिए आई लव द फैक्ट दैट पीपल आर वॉचिंग इट एंड दे आर लविंग इट, बट वही बात कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रियलिटीज़ ही दिखाएं. कभी कभी हम सब उस सिस्टम में होते हैं लेकिन आउटर परस्पेक्टिव नहीं होता, तो हम समझ नहीं पा रहे होते. शायद मेरे जैसी फरहत के जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी, लेकिन आज जब वो देख रही होंगी ना तो सोचूंगी यार यहाँ पे हमें थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए.